हे गाइस नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग गाइस? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल। कनाडा का ग्लोबल T20 लीग टूर्नामेंट अब फुल फ्लो में आ गया है। आज बात करेंगे मैच नंबर 15, जिसमें एक तरफ है टोरंटो नेशनल तो दूसरी तरफ है वैनकूवर नाइट्स है। यह मैच होगा दोस्तों 8 अगस्त को CAA सेंट्रल ब्रैम्पटन ओंटारियो में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात के 2 बजे से खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन ओंटारियो में मौसम क्लियर रहेगा, हल्की धूप खिली रहेगी, ह्यूमिडिटी लेवल लो रहेगा। रेन चांसेस है 6%, ह्यूमिडिटी 37% रहेगी, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच एनालिसिस की बात करें तो पिच पर बाउंस और स्विंग ना के बराबर है, जिसके चलते पिच बैटिंग के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे दोस्तों स्पिन बॉलर्स को यहाँ ज़्यादा विकेट भी मिलते हैं और रन आसानी से बन रहे हैं, जिससे बॉलर्स के लिए चीज़ों को कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा है और फास्ट बॉलर्स को अपनी पेस में बदलाव करना होगा। विनिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 28%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 72%। एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 132 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 124। दोस्तों बात करें हेड टू हेड के दोनों मैच के तो TN का हुआ है 3 और VC का हुआ है 3। वैनकूवर नाइट्स शॉट एनालिसिस की बात करें तो वैनकूवर नाइट्स के लिए यहां पे टूर्नामेंट अब तक बहुत खराब रहा है और टीम अब तक इस सीजन खाता नहीं खोल पाई है। टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं और 4ों में हार गई है। टीम पॉइंट टेबल में बॉटम पर खड़ी है और उस्मान ख्वाजा टीम के कप्तान हैं। तो ओपनिंग में उस्मान ख्वाजा एंड मुनीर अहमद फ्लॉप चल रहे हैं। नंबर 3 पर है रिजा हैंड्रिक्स, ने अब तक 94 रन बनाए हैं और हर्ष ठाकुर और 100 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। पिछले मैच में रिची और बैरिंगटन ने 25 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नॉट आउट 38 रन बनाया है। और बॉलिंग अटैक में मोहम्मद अमीर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पॉल वैन और मिकिरन एंड जेरी गॉर्डन लास्ट गेम से ड्रॉप किया गया था और संदीप लेमिंच ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए हैं। पिछले मैच में ऋषि राघव जोशी और ड्रविन प्रिटोरियस ने नाइट्स के लिए अच्छी बॉलिंग की थी और एक एक विकेट भी लिया था। वीसी के प्लेइंग गाड़ी की बात करें तो उस्मान ख्वाजा जो कि कप्तान है इस मैच में और मुनीर अहमद विकेट कीपर हैं। रिजा हैंड्रिक्स, हर्ष ठाकर, रिची और बैरिंगटन, आसिफ अली, ड्रेन प्रिटोरियस और दीपेंद्र सिंह एरी हैं और संदीप लामिछा ने मोहम्मद आमिर, ऋषि राघव जोशी। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो रिजा हैंड्रिक्स, उस्मान ख्वाजा और ड्वेन पीटरगेस। बात करें दोस्तों टोरंटो नेशनल शॉट एनालिसिस की तो कॉलिन मुनरो की टीम को लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा और बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ 2 रन की हार से टीम को नुकसान होगा और टीम को इस हार और हार के पीछे छोड़कर पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना चाहिए। और टीम पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर है और टीम के कैप्टन कॉलिन मुनरो हैं। तो कॉलिन मुनरो को इस मैच में आगे बढ़कर लीड करना चाहिए और हेनरिस गॉस के साथ मिलकर अच्छी स्टार्ट करनी चाहिए। रासी वैन डे डुसेन के पास बहुत एक्सपीरियंस है और उन्हें मिडिल ऑर्डर में स्टेबल करना चाहिए और निकोलस और कीर्टन और रोस्टन के साथ वो पार्टनरशिप करना चाहेंगे और लोअर ऑर्डर में टीम को मोहम्मद नवाज, असाद बिन जफर और रोमारियो शेफर्ड से भी रनों की उम्मीद होगी। टीम की बॉलिंग मजबूत दिख रही है, जिसमें असाद बिन जफर और रोमारियो शेफर्ड शुरुआती स्पेल डाल रहे हैं और जुनेद सिद्दीकी डेथ ओवर में स्पेलिस्ट है और जुनेद ने 5 और 4 मैच में 10 विकेट निकाले हैं और रोहित खान भी लाइन लेंथ से बॉलिंग डाल रहे हैं। तो TN प्लेइंग आर की बात करें दोस्तों तो कॉलिन मुनरो हैं जो कि कप्तान हैं और निकोलन किटन, एंड्रिक्स गुल जो कि विकेट कीपर हैं, रासी वैन डुसेंट और रोस्टन चेज, अरमान कपूर, मोहम्मद नवाज और रोमारियो शेफर्ड और साद बिन जफर और जुनेद सिद्दीकी, मोहम्मद रोहित खान। की प्लेयर्स की बात करें तो कॉलिन मुनरो, रोमारियो शेफर्ड और रासी वैन डुसेंट। ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर में है एंड्री गॉस, बैटर में शामिल है कॉलिन मुनरो जो कैप्टन है, निकोलस केटॉन और रिजा हैंड्रिक्स, रिची बैरिंगटन। बॉलर्स की बात करें तो संदीप लेमिंच ने, साध्वी जफर, जुनेद सिद्दीकी, मोहम्मद अमीर। ऑलराउंडर की बात करें तो रोमानियो शेफर्ड, ड्वेन प्रिटेडियस। प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों ओवरऑल रिकॉर्ड में दोनों ने 3-3 बार जीत दर्ज की है और
टोरंटो इस वक्त टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में है और बेस्ट टीम है। टीम के पास क्वालिटी प्लेयर है और वैनकूवर इस वक्त फ्लॉप चल रही है। टीम के पास स्टार की कमी है और जिसको देखे तो मैच का विनर टोरंटो नेशनल हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए जो नहीं हुए हो और जो नए हैं इस चैनल पे, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ सारे मिल जाएंगे, सारे मैच से रिलेटेड, मैच प्रोडक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।